अब ये देखिए हमारे पास गैस चार्जिंग लाइन है, फ्लेक्सिबल रबर हाई प्रेशर हमारे पास हम यूज़ करते हैं। ये देखिए एक योला होता है जिसमें ये आगे ये बॉम्ब को कनेक्ट करने के लिए नट है। और ये देख लीजिए ये वाला हम इसमें सेफ्टी डिवाइस पे हम कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। अगर यहाँ पे आपको लीकेज लगे तो आप टेफ्लॉन यूज़ कर सकते हैं। और ये जो छोटे वाला है इन दोनों सेफ्टी डिवाइस को और प्रेशर गेज को आपस में कनेक्ट करने के लिए बीच में ये छोटे वाला ऐसे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। इससे आगे इसे जो सबसे लंबे वाला लाइन है ये देखिए कम से कम 5 फुट होता है ये, इसको इधर हम कनेक्ट कर देते हैं। और जो इसका दूसरा पार्ट है ये हम रेगुलेटर में लगा देते हैं। ये हमने देखिए रेगुलेटर यहाँ पे फिक्स कर दिया है ये ऐसे ये है। और ये जो सामने आपको गेज देख रहा है ये सिलेंडर का प्रेशर आपका बताएगा। ये नीचे हम देखिए ये यहाँ पे इसको जो लंबे वाले लाइन है इसको ऐसे इस पर टाइट कर देते हैं। अब आप ये देखिए ये हमने सिलेंडर से ये सबसे बड़े वाला पाइप आपका जा रहा है प्रेशर गेज में। ये प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज से एक ये छोटा पाइप कनेक्ट कर देता है आपको सेफ्टी डिवाइस को, ये जिसके ऊपर एक हुक भी है। और सेफ्टी डिवाइस से आपका ये वाला जो जा रहा है ये होता है बॉम्ब के ऊपर कनेक्शन के लिए। अब ये देखिए बॉम्ब के ऊपर सबसे पहले हम ओ रिंग लगाएंगे, ये छोटा सा ओ रिंग। फिर उसके ऊपर ये जो नट है स्टील नट नर्लिंग हुआ हुआ है इस पर, इसको आप टाइट कर देते हैं। ऐसे पूरा टाइट अच्छे से कर देते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें गैस ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजन इसके अंदर फिल करेंगे। और कितना फिल करेंगे कैसे फिल करेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे।